हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये देखिए मैं आपको कान्हा जी के लिए वेस्टर्न स्टाइल में बिल्कुल न्यू वो बिल्कुल मिनी स्कर्ट्स बनाना सिखाऊंगी। और ये इसके साथ की हैट है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए मिनी स्कर्ट और विद हैट, हाँ, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में ये पहनकर कान्हा जी बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे कान्हा जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस घर पर ही बनाना सीख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिनी स्कर्ट बनाने के लिए मैंने अपनी एक कपड़े की पट्टी कट कर ली है और ये मैंने 28 इंच की इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स। और इसकी जो ब्रेथ है मैं दिखाती हूँ आपको, चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। और अभी हम इसे क्या करेंगे, नीचे से यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हाफ इंच जितना पतला पतला फोल्ड कर देंगे। देखिए ऐसे पतला पतला हमें हाफ इंच जितना इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और दोनों कॉर्नर्स पर से भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम इसको। और तीनों साइड से फोल्ड करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, इसमें चुन्नटे डालेंगे जैसे कि हम अपनी ड्रेस में डालते हैं नॉर्मल। हमें सेम वैसे ही चुन्नट डालनी है, ना बड़ी ना छोटी, इस तरीके से देखिए चुन्नटे हम नॉर्मल जैसे जब हम अपनी ड्रेस बनाते हैं जिस तरीके से हम चुन्नट डालते हैं, सेम हमें उसी वे में अपनी चुन्नटे सारी डाल लेनी है। तो चलिए इतना तक करते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको लंबाई जो है, जितने भी नंबर के आप कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो उस ड्रेस के लिए आप अपने कान्हा जी के बनाने के लिए जितनी लंबी पट्टी काटते हैं लेंथ आपको उसी हिसाब से लेनी है। और इसकी चौड़ाई आपको ये खुद देखनी पड़ेगी कि आप कितनी शॉर्ट रखना चाहते हैं अपनी ड्रेस को। जैसे कि मैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ तो ये 2 इंच है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें हाफ इंच नीचे भी सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच और ऊपर से भी जाएगा तो मेरी ये 1.25 इंच बचेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर अभी हम इसमें नेफा लगाएंगे तो वो भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। तो तकरीबन ये 1.5 से 1.5 इंच के करीब ही तैयार बैठेगी। तो ये आपको खुद देखना है कि आपको अपनी स्कर्ट कितनी शॉर्ट बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पट्टी लेनी है। अगर आप और चौड़ी बनाना चाहते हैं इसको तो आप थोड़ी सी और इसमें उसकी चौड़ाई जो है वो और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 2 इंच लिया तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लेंथ आपको उतनी ही लेनी है जितनी कि आप अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये बना दी है। ये देखिए चुन्नटे मैंने डाल दी और मैंने नीचे से और साइड से दोनों साइड से देखिए पतला पतला फोल्ड कर दिया था। उसके बाद जैसे हम अपनी ड्रेस में चुन्नटे डालते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी चुन्नटे डाल दी हैं। और ये देखिए हमारा ये छोटा सा घेरा हमारे कान्हा जी के लिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने 1.5 इंच की अपनी ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिया। इसको हम क्या करेंगे, इधर से इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे कॉर्नर पे, और ऐसे यहाँ पर पकड़कर पूरे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे जितना कपड़ा आएगा। और फिर यहाँ पे फोल्ड करके उसको कट कर देंगे ऐसे यहाँ पे फोल्ड करके, और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और फिर से हल्का सा यहाँ से मोड़कर और ये पीछे की साइड ऐसे ले जाकर, और फिर हम यहाँ पर भी पीछे स्टिचिंग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर नेफा आ जाएगा। इसके अंदर आप डोरी डाल सकते हैं फ्रेंड्स इसी कपड़े की बनाकर, या कोई साठन का रिबन हो आपके पास, आधा इंची का जो साठन का रिबन आता है आप साठन का रिबन भी डाल सकते हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए नेफा लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्कर्ट बना ली है। और ये देखिए अब इसके अंदर मैंने अपना ये साठन का रिबन डाल दिया है। इसको आप खींचकर छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर लगाएंगे स्टेप। तो स्टेप लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी काटी थी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाई है मैंने। जैसे ये हमारी पट्टी है तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर इसको हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो वो सिलाई लगा लेंगे तो हमारी ये स्टेप बन जाएगी। तो ये 3 नंबर के कान्हा जी के, तो फ्रेंड्स मैंने इतनी चौड़ी ली है। अगर आप ये 1, 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए स्टेप इनफ है 1.25 इंच की पट्टी की, लेकिन आप उससे बड़े कान्हा जी की बनाते हैं तो आप 2 इंच की पट्टी लीजिएगा और फिर उसको सेम ऐसे ही प्रोसेस कीजिएगा ऐसे फोल्ड करके, तो वो आपकी थोड़ी चौड़ी पट्टी बन जाएगी। और अगर आपके पास फ्रेंड्स लास्टिक अवेलेबल हो तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारी लास्टिक है, तो उसको यहाँ रख कर
और पहले थोड़ी सी सिलाई लगाइएगा और फिर इसको फोल्ड कीजिएगा और उसको खींच खींच के फिर आप इलास्टिक को खींचेगा और इधर से कपड़ा रखिएगा और फिर यहाँ पे सिलाई लगाइएगा, तो आपके क्या होगा कि यहाँ पर फ्रिल्स ही बन जाएंगी जो बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन मेरे पास इस वक्त इलास्टिक नहीं है और लॉकडाउन की वजह से कहीं मिल नहीं रही है, तो मैं ये सिंपल स्टेप बना रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारी स्टेप है। तो अब हम क्या करेंगे, आप अब क्या कीजिएगा, अपने कान्हा जी को ये स्कर्ट पहनाकर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, ये देखिए इसके हम बिल्कुल मिडल में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए मिडल में हम इसके बिल्कुल यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारी स्कर्ट का मिडल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अपनी स्टेप को लेंगे और इधर बिल्कुल मिडल के इधर रखेंगे इसको ऐसे। तो इधर से हम इसको बिल्कुल, फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये रिबन के ऊपर सिलाई ना आए, तो हमें बिल्कुल पीछे बिल्कुल स्टिचिंग के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है, जो हमारी पहले वाली स्टिचिंग है उसके ऊपर, या फिर आप रिबन बाद में डालिएगा, पहले आप स्टिचिंग लगा लिएगा। लेकिन स्टिचिंग लगाओ तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिडल में स्टिचिंग नहीं लगानी है, वरना आप डोरी हम रिबन नहीं डाल पाएंगे। तो हम इधर रखेंगे इसको और ऐसे ही दूसरी स्टेप हम इधर रखेंगे। तो और ये मैं यहाँ पर छोड़ूंगी 2 इंच के करीब, 1.5 से 2, पहले अपने कान्हा जी को आप पहना कर देखिएगा और फिर 1.5 से 2 इंच के करीब इसको रख के और 1/2 इंच एक्स्ट्रा जितनी हमको चाहिए वो रखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पर अपने छोड़ दिया और ये मैंने यहाँ पर तकरीब 1.5 से 2, ये 2 इंच की फ्रेंड्स मैंने स्टेप ले ली और 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा स्टिचिंग का ले लिया। और अब मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ और ये हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे और फिर इसी स्टेप को ये देखिए इधर, ये जो हमारी चोली है उसके थोड़ा, ये जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है उससे थोड़ा सा इधर रखेंगे फ्रेंड्स, इधर की साइड, और यहाँ रखकर हम फिर से यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से एक स्टेप की तरह हमारे, इस तरीके से हमारी ये स्टेप की तरह आ जाएगी, ये देखिए ऐसे। और इसको ध्यान लगाते वक्त भी ध्यान रखिएगा कि जब आप फोल्ड करो तो ये इस तरीके से सीधी रहे। तो ऐसे हम इसको लगा लेंगे इधर भी और दूसरी स्टेप हम इधर लगाएंगे और सेम प्रोसेस से फिर हम ये इधर की साइड भी लगाएंगे। तो हमारी ये स्कर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉप बनाने के लिए ऊपर का मैंने अपना ये वाइट कलर का कपड़ा लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे डबल करके और इसकी लेंथ जो है वो ये देखिए मैंने रखी है 2.5 से, थोड़ी सी ज़्यादा ही है फ्रेंड्स, 1 पॉइंट बस है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 4 इंच। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग रखनी है कि आप जिस भी कान्हा नंबर के कान्हा जी के बना रहे हैं उसकी ड्रेस लेना और उनकी ड्रेस की चोली को इस तरीके से रखकर मेज़र कर लेना कि वो आगे से फ्रंट से कितनी उसकी चौड़ाई आती है। तो जैसे कि हम 3 नंबर के कान्हा जी के बना रहे हैं तो उनकी चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 2.75 इंच की आगे से चौड़ा होता है वो, तो मैंने उससे 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये दोनों साइड से सिलाई में भी जाएगा और लेंथ भी, जो चौड़ी जो नीचे की लेंथ है वो भी चोली की आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखनी है कि जैसे 2 इंच रेडी होती है तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए 3 इंच से थोड़ी सी कम ली है फ्रेंड्स, आप 1/4 इंच या 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी है ये नीचे से लेंथ, वो भी इसलिए क्योंकि ये नीचे से यहाँ से फोल्ड होएगी, तो जितनी आपकी चोली की लेंथ होती है ये उतनी फिर आपकी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए ये ऐसे हमें डबल करके कपड़ा लेना है लेंथ में, यानी कि ये आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन, तो ये 2 पार्ट हो गए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे नेक की। तो ये देखिए अब ये डबल फोल्ड तो था ही फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जो ये बंद साइड है इधर की साइड से बिल्कुल छोटी सी गले की कटिंग हम, बहुत छोटी सी हम गले की कटिंग करेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच से भी छोटा कटिंग करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से छोटी सी हम, बिल्कुल छोटा सा हमारा सर्कल, ये देखिए ऐसे बिल्कुल छोटा सा सर्कल आ जाएगा, क्योंकि जो हम इसके अंदर पाइपिंग लगाएंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप चौड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए ये छोटी सी हमने गले की कटिंग कर ली है यहाँ से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये देखिए नीचे से हम लेंगे इस तरीके से 1 इंच इधर के, इधर से 1 इंच, इधर से हमने 1 इंच से भी कमी लिया है, ये देखिए 1 इंच, 1/2 इंच इधर है, 1/2 इंच इधर है, और इधर से हम इसको इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देंगे इसकी। तो ये हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। ये देखिए तो ये देखिए इधर से ये हमारा स्लीव्स का निशान आ गया है फ्रेंड्स, इधर से ये स्लीव्स का हमारा निशान आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे, ये देखिए। और ये बैक,
एक फ्रंट पार्ट रखना है फ्रेंड्स और एक हमें बैक पार्ट रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम बीच में से कट कर देंगे, बिल्कुल पहले मिडल का निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद कट कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आप कपड़े को ऐसे करेंगे तो ये मिडल का निशान आपका आ जाएगा। ये देखिए आ गया है हमारा मिडल का निशान। तो इसको हमें एक पार्ट को ही बीच में से ऐसे कट करना है, ये इस तरीके से। तो ये देखिए ये बीच में से कट हो गया। तो जो कट है वो हमारा बैक होगा और जो बिना कट है वो हमारा फ्रंट होगा। और अब हम क्या करेंगे, अपने एक जिसकी हमने स्कर्ट बनाई है सेम कपड़ा हम लेंगे उसकी। ये देखिए मैंने एक पट्टी कट कर ली है, डेढ़ इंच चौड़ी ये पट्टी है फ्रेंड्स। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और डबल फोल्ड करने के बाद ये जो स्लीव्स है इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर कॉर्नर पे रख के पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, और यहाँ सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी चोड़ी एक इसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा हमारा स्लीव्स के ऊपर। और यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद हम एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर लगा देंगे, तो ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर की तरह हमारी स्लीव्स पे आ जाएगा। और फिर सेम इस ऐसी ही पट्टी हमें एक और काटनी है, और उसको फिर हम क्या करेंगे, फिर सेम वही प्रोसेस करना है फ्रेंड्स। इसको हम इस तरीके से डबल लेंगे और हमें अपनी नेक पर लगाना है, तो नेक पर लगाने के लिए भी हम यही करेंगे। इसको हम इस तरीके से रखेंगे गोल, और आप इसको चाहें तो फ्रेंड्स बैक पे भी इस तरीके से लगाते हुए लेकर आ सकते हैं ऐसे लगाकर, और फिर ये गले पे से गोल फोल्ड करते हुए यहाँ तक सेम जैसे मैंने स्लीव्स पे बताया था, और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे ही लगाते हुए चलिए हम अपने दोनों साइड लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी स्लीव्स पर और गले में लगा ली है, और ये देखिए लगाने के बाद सिर्फ हमने नीचे नीचे सिलाई लगाई है फ्रेंड्स। एक बार जैसे मैंने आपको बताया था हमने पट्टी रखी और उसको फोल्ड करके और फिर यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगा ली। इस कॉर्नर पे सिलाई लगाने से क्या होता है कि पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाती है। तो ये देखिए हमारे ये नेक पे भी आ गई है और स्लीव्स पे भी हमारे ये बॉर्डर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये जो हमारी जो हमने नीचे है इसको हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, हाफ हाफ इंच दोनों साइड से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर से भी और इधर से भी कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको दोनों को इक्वल करके यहाँ से अपने कान्हा जी के स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर छोड़कर, और यहाँ से हम इधर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो हमारी ये चोली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये चोली बनकर तैयार है। ये देखिए पीछे भी यहाँ पर ये, और ये देखिए साइड में मैंने ये सिलाई लगा दी है इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, और ये हमारी यहाँ तक स्लीव्स आ जाएंगी, और ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट हो गया है। और अब यहाँ पर आप या तो वेलक्रो लगा सकते हैं या एक चिट बटन लगा सकते हैं इस तरीके से ये बैक साइड में। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लगा दीजिए। मेरे पास वेलक्रो इस वक्त नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर चिट बटन लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने देखिए अपनी इसमें स्कर्ट में स्टेप लगा ली, और ये देखिए पीछे से ऐसे से हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारी चोली, और इसके ऊपर देखिए फ्रेंड्स मैंने हार्ट शेप का एक स्टोन था जो मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपकाए, ऑप्शनल है आप चाहें तो चिपका सकते हैं। ये देखिए ऐसे पैकेट में स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फ्लावर और सीए, तो आप चाहें तो ये स्टेशनरी शॉप से लाकर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये देखिए हमारी छोटी सी मिनी स्कर्ट वेस्टर्न स्टाइल में हमारे कान्हा जी के लिए तैयार है, और जो हमारे कान्हा जी इसको पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये देखिए ये हैट है फ्रेंड्स। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब ये वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेस और ये हैट पहनकर हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।